उधमपुर जिले में गरौंडी ब्लॉक के किसानों को अब फसलों की कटाई के लिए ना तो मजदूरों का इंतजार करना पड़ेगा और ना ही खुद हफ्तों खेती में कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अब इन दूर दराज गाँव में भी किसान आधुनिक मशीनों के जरिए फसलों की कटाई कर पाएंगे। इससे जहां समय भी बचेगा वहीं खर्च भी कम होगा, क्योंकि इन क्षेत्रों में किसान खुद इतने समृद्ध नहीं थे कि वो आधुनिक मशीनें खरीद पाते, इसीलिए कृषि विभाग ने इन्हें मुफ्त में मशीनें उपलब्ध करवाई हैं। किसानों की आय दुगनी करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के सहयोग से जम्मू कश्मीर प्रदेश सरकार ने किसानों को यह मशीनें उपलब्ध करवाई हैं। सरकार की ओर से पंचायत स्तर पर ये मशीनें उपलब्ध करवाई जा रही हैं और अब पंचायतों के प्रतिनिधि किसानों को यह सेवाएं निशुल्क प्रदान करवाएंगे। उधमपुर के मुख्य कृषि अधिकारी सुभाष चंद्र शर्मा के मुताबिक गरौंडी ब्लॉक में धान की कटाई के लिए 4 मोटर संचालित थ्रेशर दिए गए हैं। अगर हम इम्प्लॉयमेंट की बात करें तो इम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो सकती है रूरल एरियाज के, अगर उस हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पर किसान भाई हमारे जो है वो इसको पंचायत लेवल पर जो हमारे सरपंचेज हैं दो आदमी को हायर करके, 4 आदमी को हायर करके इसी मशीन को हर घर में लेके जाएंगे और उनका काम करके वो इस तरीके से उनका काम भी जल्दी हो जाएगा और 2-4-10 बंदों को एक इम्प्लॉयमेंट भी मिल जाएगी। ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, अगर इसको हम उस एंगल से देखेंगे तो हर पंचायत में फ्री ऑफ कास्ट देना ये बहुत बड़ा गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है और इसमें डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और गवर्नमेंट की सहानुभूति से और ये फार्मर्स के लिए हमने ये। जबकि मक्की की फसल के लिए 2 शेलर दिए गए हैं। शर्मा के मुताबिक उधमपुर जिले में अभी तक विभिन्न पंचायतों में 40 ऐसी मशीनें बांटी जा चुकी हैं। डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स बजट प्लान के तहत 100% सब्सिडी पर यह मशीनें उपलब्ध करवाई जा रही हैं, ताकि दूर दराज के यह किसान भी आधुनिक मशीनों से फसलों की कटाई कर सके।